हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूं, जो आपके समय और पैसे दोनों को बचाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। दोस्तों, अजवाइन तो सभी के किचन में पाया जाता है, ये हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि इसमें कितने पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों, अजवाइन में अवास्पिक तेल, क्यूमिक, कैफीन, डाइपेंटीन, मिर्सिन, फिनोल, लिनोलिक, ओलिक, पॉम्टिक, निकोटिक अम्ल, बी पाइनिक तथा थाइमिन पाया जाता है। असल में अजवाइन में एसेंशियल ऑयल होता है, जो खाने का स्वाद और फ्लेवर बढ़ाने में मदद करता है। अजवाइन में फाइटोकेमिकल जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड्स, स्पेनोसिस, फिनोलिक यौगिक या कंपाउंड होता है। इसके साथ साथ अजवाइन में प्रोटीन, फैट, फाइबर और मिनरल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और निकोटीन एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको एक इसका यूज़फुल टिप बता रही हूँ, जो आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होगा। उसके लिए हम आधा चम्मच अजवाइन लेंगे और उसी के साथ हम 1/4 चम्मच काला नमक लेंगे। अब इसी के साथ हम लेंगे हींग। ये तीनों चीज़ें हमारे पेट दर्द और गैस्ट्राइटिस को बेहद ही फ़ायदेमंद पहुँचाती हैं। दोस्तों, इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। इन तीनों चीज़ों को पहले हम मिला लेंगे। अब इसे हम हाथ से क्रश करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप करिएगा। हथेलियों से की मदद से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इसके रोज़ सेवन करने से आप देखेंगे कि आपकी गैस की समस्या बिल्कुल ठीक हो गई। कभी कभी बच्चों के पेट में या बड़ों के पेट में अचानक दर्द होने लगता है, तो ये उपाय आपके लिए बेहद ही कारगर होगा। देखिए, अजवाइन अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम लेंगे गुनगुना पानी। इसके साथ हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका पेट दर्द बिल्कुल ही छुमंतर हो गया। अजवाइन के बहुत ही ढेर सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसे ले लेंगे और इसे हम फांक लेंगे। इसे हमें चबा चबा कर नहीं खाना है, इसे हमें मुंह में डालना है और पानी से इसे घोट लेना है। देखिए, इस तरह से इसे हमें खाकर गुनगुना पानी पी लेना है। इससे हमारे पेट में होने वाले गैस की समस्या और पेट दर्द की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं दूसरी यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, इस तरह के गत्ते हमारे घर में अक्सर आते रहते हैं। हम कुछ सामान मंगाते हैं तो इस तरह के गत्ते हमारे घर में आते रहते हैं। तो आज मैं इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। अधिकतर हम इस डब्बे को फेंक देते हैं, मगर इस डब्बे को आप फेंकिएगा नहीं। अब इसके जो चारों तरफ लगा हुआ गत्ता है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें कट कर लेना है, मगर इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम दूसरी चीज़ों में कर लेंगे। देखिए, इस तरह से चारों तरफ से इसे हमें कट कर लेना है। दोस्तों, आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस देश से, किस शहर से, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए, गत्ते को मैंने चारों तरफ से कट कर लिया है। अब हम डॉक्टर टेप लेंगे और इसके चारों तरफ हम लगा लेंगे। देखिएगा, जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरह से आपको इसके चारों तरफ ये डॉक्टर टेप लगा देना है। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इसे हम सावधानीपूर्वक चारों तरफ लगा लेंगे। देखिए, इसे मैंने चारों तरफ लगा लिया है। अब हम लेंगे डबल साइडेड टेप। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे और गत्ते के साइड में इसे हम चिपका देंगे। देखिए, जैसे मैं चिपका रही हूँ उसी तरह से आप चिपका लीजिएगा। इसे हमें गत्ते के दोनों तरफ से चिपका लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका उपयोग मैं कहाँ पर करूँगी। इसके ऊपर का जो कवर है उसे हम निकाल लेंगे।
अब मैं आपको ले चलती हूँ फ्रिज की तरफ। कभी कभी हमारा रैक टूट जाता है और वहाँ पर जगह खाली हो जाता है, तो आप पहले कपड़े से उस जगह को पोंछ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पानी होता है तो ये अच्छी तरह से चिपक नहीं पाता है। अब इस ऑर्गेनाइज़र को आप यहाँ पर चिपका दीजिए, और जो आपके पास छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रिज में रखने की, आप इसमें आराम से रख सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसको लगाने से फ्रिज नहीं बंद होगा, लेकिन फ्रिज बेहद ही आराम से बंद हो जाता है और खुल जाता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रिज में ये लगा हुआ। अब मैं आपको इसमें कुछ सामान रखकर दिखाती हूँ। अब आप इसमें छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, बहुत भारी चीज़ें मत रखिएगा वरना ये गिर जाएगा। देखिए कि ये कितनी आसानी से बंद हो रहा है और कितनी आसानी से ये खुल रहा है। इसका दूसरा प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। इस गत्ते को आप अपने अलमीरा में भी लगा सकते हैं, या फिर पूजा के स्थान पर भी आप इसे लगा सकते हैं और उसमें पूजा की किताबें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको अलमीरा की तरफ। देखिए अलमीरा में ये जगह खाली है, उस जगह हम इसे चिपका देंगे और इसमें अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। बच्चे अपनी छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, तो वो इस डब्बे में आराम से अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। आपको मेरी ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरी यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों ये चाट मसाले का डिब्बा है, ये काफ़ी महंगा मिलता है। जब इसमें का मसाला ख़त्म हो जाता है तो हम लूज़ पैकेट में मसाला ले आते हैं। अब इसकी समस्या है कि इसे हम इसमें भरेंगे कैसे, क्योंकि इसमें छेद काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो उसके लिए हम एक हार्ड पॉलिथीन लेंगे और उसे कट कर लेंगे। देखिए इसे मैं कितनी आसानी से मसाले को भर दूंगी और हमें दूसरा डब्बा ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आप लूज़ पैकेट में इसे ले आइए और इस तरीके से चाट मसाला या फिर काली मिर्च, जो भी आपके पास डब्बे में सामान हो, आप उसे इसमें भर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें कुप्पी बनानी है। अब डॉक्टर टेप लेकर या फिर आपके पास सेलो टेप है उससे भी आप इसकी किनारी को चिपका लीजिए। देखिए इस तरह से हमें इसे चिपका लेना है और इसके ऊपर भी हम इसे थोड़ा सा चिपका लेंगे, जिससे ये खुले ना और आराम से हमारा मसाला उसके अंदर चला जाए। देखिए ये हमारी कुप्पी तैयार हो गई है। अब इसके नीचे का हिस्सा काफ़ी पतला है तो इसे हम कट कर लेंगे, जिससे ये थोड़ा मोटा हो जाए और मसाला भरने में आसानी हो। और उसके एक्स्ट्रा जो पॉलीथीन थी उसे भी मैंने कट कर लिया है। अब मसाले के डिब्बे में जो छेद बड़ा वाला छेद है उसमें हम इस कुप्पी को डाल देंगे और इसमें मसाले को डालकर आराम से मसाला इसमें भर देंगे। देखिए कितने आसानी से मसाला इसमें चला जा रहा है। इसी तरह हम सारे मसाले को इस डब्बे में भर देंगे। अब हमें इस तरह से दूसरे डिब्बा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लूज़ पैकेट में लाकर इसमें हम मसाले को आसानी से भर देंगे। इससे आपके पैसे की काफ़ी बचत होगी। देखिए जिस तरीके से मैं भर रही हूँ उसी तरीके से आप भरेंगे तो आपका मसाला बेहद ही आसान तरीके से इसमें चला जाएगा। देखिए मैंने सभी मसाले को इसमें भर दिया है। अब हम डब्बे को बंद कर देंगे और जब भी हमें इस्तेमाल करना होगा तब हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। आपको ये छोटी सी यूज़फुल टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरी यूज़फुल टिप की तरफ। आज मैं आपको घर पर ही फ्लोर क्लीनर बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके लिए हमें एक गिलास पानी ले लेना है और लेना है हार्पिक। आप वही गिलास इस्तेमाल करिए जो आपके यूज़ में नहीं आता है। अब इसमें हम 2 चम्मच हार्पिक की डाल देंगे। देखिए इसमें मैंने 2 चम्मच हार्पिक की डाल दी है। ये काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा फ्लोर क्लीनर बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक के साथ हम इसमें वाइट विनेगर डालेंगे जो हम चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे मैंने एक ढक्कन डाल दिया है। और 1/2 चम्मच सर्फ डालेंगे और इसे
खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि इसमें नमक और सर्फ पड़ा हुआ है, इसलिए इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है। सर्फ डालने की वजह से इसका कलर हल्का हो गया है। देखिए ये फ्लोर क्लीनर बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक शीशी ले लेंगे। देखिए मैंने इस शीशी में छेद किया हुआ है, आपके पास जो भी शीशी हो आप उसमें इसके भर सकते हैं। देखिए इसे मैंने भर दिया है। अब इसका हम ढक्कन लगा लेंगे। अब मैं आपको इसे पोछा लगाकर दिखाती हूँ। जिस जगह आपको पोछा लगाना है उस जगह आप इस फ्लोर क्लीनर को छिड़क दीजिए और आप पोछा लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका फ्लोर कितनी अच्छी तरह से चमकने लगा और जो मक्खियाँ वगैरह आती थी वो भी आना बंद कर देंगी, और जो इसमें नमक मिला हुआ है उससे आपके घर की निगेटिविटी भी दूर होगी और आपका फर्श पहले से ज़्यादा शाइन करने लगेगा। आई होप आपको मेरा ये फ्लोर क्लीनर पसंद आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।